दान पुण्य के सबसे बड़े पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग द्वारा जन सहयोग से पूरे दिन भर विभिन्न स्थानों में पहुंचकर जरूरतमंदों को जरूरत की सामग्री का दान किया गया। गरीब असहाय विकलांगों और गौ माता की सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। भले ही आज के भौतिकवादी युग में ये बातें किताबी लगती हो, मगर आज भी ऐसे समाज में लोग मौजूद हैं जिन्होंने मानवता की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग में गरीबों, असहाय, भूखों एवं विक्षिप्त लोगों को खाना खिलाने व उनकी हर संभव सहायता करने का कार्य बीते 5 वर्षों से करती आ रही है। संस्था के प्रमुख योगेंद्र शर्मा बंटी ने बताया कि बीते 5 वर्षों से कोई भूखा ना सोए इस पर कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते प्रतिदिन दुर्ग रेलवे स्टेशन में शहर से लगभग 100 से अधिक लोगों को निःशुल्क भोजन का वितरण किया जाता है। संस्था के सदस्य बीते 5 वर्षों से सभी पर्व एवं त्योहार गरीब असहाय जरूरतमंदों के साथ ही मनाते आ रहे हैं। वहीं दान पुण्य के सबसे बड़े पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग द्वारा जन सहयोग से पूरे दिन भर विभिन्न स्थानों में सेवा एवं दान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाओं को कंबल, तिल की मिठाई, मुर्रे का लड्डू, नमकीन का वितरण किया गया एवं दुर्ग महिला अनाथ हॉस्पिटल में सभी वृद्ध महिलाओं को साड़ी, कंबल और मिठाई का वितरण किया गया। इस संबंध में मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। मानव सेवा का उद्देश्य को लेकर जन समर्पण सेवा संस्था, जो कि विगत 5 वर्षों से जरूरतमंदों को भोजन वितरण करते आ रही है, हर त्यौहार हर पर्व पर भी जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया जाता है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर हम 2 दिवस की मानव सेवा का आयोजन किए हैं, जिसमें दुर्ग के वृद्धाश्रम और दुर्ग की अनाथ महिला हॉस्पिटल में जरूरतमंदों को साड़ी, कंबल और मकर संक्रांति पर्व की मिठाई, तिल के लड्डू, मुर्रा के लड्डू और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन का वितरण जन समर्पण संस्था द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ बाल आश्रम में भी बच्चों को कापी, पेन, पुस्तक का वितरण किया गया है। मानव सेवा का कार्य करते हुए हमारी जो संस्था है जन समर्पण सेवा, पहले दिन हम मानव सेवा के कार्य को कर रहे थे, आज हम द्वितीय दिवस दूसरे दिन गौ सेवा में लगे हुए हैं। अभी सभी साथियों के साथ मिनी माता चौक से लेकर नेहरू नगर चौक तक जितनी भी हमारी गौ माताएं रोड पे विचरण कर रही है, हम उन्हें रेडियम की पट्टी लगा रहे हैं ताकि आगे समय में दुर्घटना ना हो। इसी के साथ हम उनको ग्रव ग्रास भी खिला रहे हैं। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम 2 दिवस ये कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे सभी साथी इस कार्य में लगे हुए हैं। आपसे भी उम्मीद करते और आशा करते हैं कि आप भी हमारा सहयोग प्रदान करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।